तो बातचीत शुरू ही नहीं हुई। सच के बिना जी सकते हैं लेकिन खुशियों के बिना नहीं। देखो यार, नेटफ्लिक्स ने ना अपनी 2024 की जो पूरी की पूरी इंडियन स्लेट है उसको अनाउंस कर दिया है। बिलीव करो, इतने कमाल कमाल के शोज हैं, आपको सारी की सारी जानकारी मिलने वाली है कि क्या धमाका ये लोग 2024 के अंदर करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा हाइलाइट 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए अपडेट वीडियो में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसका एक ऑफिशियल टीजर निकल के आया। मैं बात कर रहा हूँ दो पत्ती मूवी के बारे में, जो कि एक सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली, जिसके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है काजोल, साथ में आपको देखने को मिलने वाली कृति सैनन। और जिस तरीके का इसका फास्ट पेस टीजर था, मेरे को पसंद आया। मतलब इस मूवी के टीजर को देख के आपको एक ऐसी फील आती है कि जिस तरीके के शो नेटफ्लिक्स बहुत टाइम से प्रोड्यूस कर रहा है, काफी हद तक आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ नया जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ में एक और वेब सीरीज को अनाउंस किया गया जिसका पहला लुक रिलीज किया गया। मैं बात कर रहा हूँ दब्बा कार्टेल के बारे में। मतलब ये स्टोरी आपके सामने ड्रग ट्रैफिकिंग पूरे के पूरे मामले को रखने वाली है। मिलने वाली ज्योतिका, साथ में आपको देखने को मिलने वाली शबाना आजमी और साथ में आपको देखने को मिलने वाले गजराज राव। तो डेफिनेटली कास्टिंग इस तरीके से है, इसके लिए हाइप होना बनता है। इसके साथ में नेटफ्लिक्स की तरफ से एक कॉमेडी मूवी को अनाउंस किया गया जिसका नाम है वाइल्ड वाइल्ड पंजाब। इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं मनजोत सिंह, सनी सिंह, साथ में आपको देखने को मिल जाते हैं वरुण शर्मा। तो ये मूवी जो है आपके सामने पंजाब के सेटअप को दिखा के एक कमाल की कॉमेडी, एक कमाल की एडवेंचर राइड के ऊपर आपको लेके जाने वाली है। साथ में नेटफ्लिक्स ने एक ऐसे शो के पार्ट नंबर 2 को अनाउंस किया जिसका नाम है ये काली काली आंखें। ये शो कितना जबरदस्त था इसका पहला पार्ट, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो डेफिनेटली उसके बाद से जो इसका पार्ट नंबर 2 है, फैंस उसका वेट कर रहे थे। तो उसका फर्स्ट लुक, उसका एक टीजर आप लोगों के सामने निकल के आ चुका है। और नेटफ्लिक्स ने इस बात को इन्फॉर्म किया कि इस समय इसकी शूटिंग जो है वो पूरी तरीके से आगे बढ़ रही है। इसके साथ में कुछ टाइम पहले नेटफ्लिक्स पे आए कमाल का क्राइम थ्रिलर शो, मैं बात कर रहा हूँ खाकी के बारे में, उसके पार्ट नंबर 2 को आप लोगों के सामने अनाउंस कर दिया गया है। अब की बार होने वाला है खाकी द बंगाल स्टोरी। तो बंगाल की जो गैंग है और जो बंगाल की पुलिस है, उनके बीच में किस तरीके से आपको सारी चीजें होती हुई दिखेंगी, यही आपको देखने के लिए मिलने वाला। डेफिनेटली ये भी एक ऐसा शो है जिसको नीरज पांडे बना रहे हैं, उनकी डायरेक्शन, उनका क्रिएशन कितना जबरदस्त होता है। तो डेफिनेटली इसके लिए भी हाइप होना बंद है। इसके साथ में एक और कमाल के नए शो की कास्ट की अनाउंसमेंट हुई जिसका नाम है IC 814, जिसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं मनोज पावा, विजय वर्मा, साथ में आपको देखने को मिलने वाले हैं यशपाल शर्मा, अतुरलेखा और भी कमाल कमाल के एक्टर्स हैं। और बात करें इसकी स्टोरी के बारे में, तो ये जो शो है वो होने वाला है अराउंड हाईजैक ऑफ अ प्लेन। डेफिनेटली इतना कमाल का कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बहुत सारे चीजें आपको दिखाई दे सकती है। तो डेफिनेटली कास्टिंग वाइज, स्टोरी वाइज मुझे लगता है कि ये डिलीवर करेगा। इसके साथ में नीरज पांडे की तरफ से ये एक मूवी आने वाली है जिसका नाम है सिकंदर का मुकद्दर। इसके बारे में इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये एक मूवी होने वाली है, गैंगस्टर ड्रामा टाइप की फिल्म होगी और इसको नीरज पांडे बना रहे हैं। इसके अलावा इसके बारे में एज इट इज कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी उनकी तरफ से पब्लिश नहीं की गई है। इसके बाद अगर बात करें YRF की तरफ से, देखो YRF का लास्ट ईयर शो आया था जिसका नाम था द रेलवे मैन, कितना कमाल का शो था। तो अब बारी है उनकी तरफ से 3 कमाल के प्रोजेक्ट्स की। पहले का नाम उन्होंने महाराजा, जो कि एक मूवी होने वाली है, दूसरी होने वाली है मांडला मर्डर्स, जो कि एक सीरीज होने वाली है, और तीसरी होने वाली है विजय 69, जिसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले अनुपम खेर। बात करें महाराजा मूवी के बारे में, तो वो आपके सामने इंडिया का 19th सेंचुरी का जो पीरियड था उसको दिखाने वाली है। थोड़ी सी अगर बात करें मांडला मर्डर्स के बारे में, तो वो एक तरीके की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है। तो डेफिनेटली जिस तरीके का उनका लास्ट प्रोजेक्ट गया है, इसके लिए एक्साइटमेंट होना बनती है। इसके साथ में उनकी तरफ से एक स्पोर्ट्स ड्रामा डॉक्यूमेंट्री टाइप की फिल्म जो है वो अनाउंस हुई है जिसका नाम है द ग्रेटेस्ट राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं वो उन लोगों को पता है कि इंडिया पाकिस्तान में क्या मायने हैं। तो डेफिनेटली ये एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जो दोनों के दोनों नेशंस की तरफ से आपको क्रिकेट उनके लिए क्या वैल्यू रखता है उस चीज को आप लोगों के सामने रखने वाली है। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैं पर्सनली सबसे ज्यादा हाइप हूं। इसके बाद में बात करें 2021 की एक कमाल की फिल्म जिसका नाम था हसीना दिलरुबा, जो एक कमाल की सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी थी, बहुत जबरदस्त लगी थी मेरे को वो। तो उसका पार्ट नंबर 2 पहले अनाउंस हो गया था, अब उसको ऑफिशियल टीजर कह लो या आप बोल सकते हो इसका फर्स्ट लुक जो है वो आपके सामने निकल के आ चुका है।
तो डेफिनेटली जिस तरीके से इसके अंदर नई कास्ट जुड़ी है, जिस तरीके से पुरानी कास्ट इसमें वापसी आ रही है, वो इनिशियल थॉट वाइज बहुत जबरदस्त लग रहा है। इसके बाद आता है एक कमाल का सरप्राइज, मैं कर रहा हूँ टीवीएफ की तरफ से कोटा फैक्ट्री का पार्ट नंबर 3, उसका फर्स्ट लुक आप लोगों के सामने लाके रख दिया गया है। और जो मुद्दे हैं और जिस तरीके से रिलेटेबल कंटेंट होने वाला है, डेफिनेटली ये शो तो मुझे लग रहा है मैं इसके ऊपर आग बंद करके विश्वास कर सकता हूँ। तो एक बार फिर से कोटा फैक्ट्री के पार्ट नंबर 3 में जीतू भैया को देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये धमाका करेगा, इसमें कोई मेरे को तो शक है नहीं। बाकी अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक देखा और आपको ये वीडियो पसंद आई, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर दो और ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव। हडी 3।